जिम्मेदारी निभा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लक्मे एवं अन्य ब्रांडेड कंपनी का लगभग 12 लाख रुपए का नकली कॉस्मेटिक सामान के साथ चार सिंगार दुकान के प्रोप्राइटर को किया गिरफ्तार। आशीष भारती पुलिस अधीक्षक रोहतास को यह सूचना प्राप्त होते ही इसे काफी गंभीरता से लिया गया तथा ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली कॉस्मेटिक सामान की बिक्री करने वाले ऐसे सिंगार दुकान में तत्काल छापेमारी हेतु पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष सासाराम नगर थाना एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी का एक विशेष टीम छापेमारी दल का गठन कर सासाराम बाजार में छापेमारी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। तदनुसार विशेष छापेमारी दल के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सासाराम बाजार में स्थित सिंगार दुकान माँ तारा चंडी सिंगार दुकान, बाबा जनरल स्टोर, कुमार मुकेश सिंगार एवं किरण चूड़ी केंद्र में नकली कॉस्मेटिक सामान बेचने व के मामले में छापेमारी किया गया। यहां सत्यापन एवं छापेमारी के क्रम में यह पाया गया कि उपरोक्त सिंगार दुकान में ब्रांडेड कंपनी का नकली कॉस्मेटिक सामान बेचा जा रहा है। उपरोक्त सिंगार दुकान में नकली कॉस्मेटिक सामान बेचने के आरोप में दुकानदार राजीव प्रकाश, पिता रमेश प्रसाद, ग्राम चरवर तकिया माँ तारचंडी सिंगार मंटू अंसारी, पिता कबीरुद्दीन अंसारी ग्राम चौखंडी, बाबा जनरल स्टोर दीपक पटवा, पिता जगदीश पटवा ग्राम काजीपुरा, कुमार मुकेश सिंगार, विशाल कुमार पिता राजकुमार कश्यप ग्राम कारण सराय किरण चूरी केंद्र सभी थाना सासाराम नगर जिला रोहतास को गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त सिंगार दुकान के तलाशी के दौरान विभिन्न ब्रांडेड कंपनी का नकली कॉस्मेटिक सामान लक्मे कंपनी का 1944 पीस, लिली कंपनी का 34 पीस, फेयर एंड लवली कंपनी का 9 पीस एवं पॉन्ड्स कंपनी का 4 पीस कॉस्मेटिक सामान बरामद किया गया है। आशीष भारती पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशानुसार दिनांक 19/7/2022 की संध्या रात्रि में रोहतास पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था, संधारण, यातायात नियमों का पालन, पूर्ण शराबबंदी एवं कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन हेतु रात्रि गश्ती पैदल गश्ती किया गया तथा वाहनों का विधिवत जाँच किया गया। पैदल गश्ती में प्रतिनियुक्ति कर्मियों एवं गार्डों को भी चेक किया गया। अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे लोगों को जांच कर अपने घरों में रहने की सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशानुसार सामुदायिक पुलिसिंग एवं जनसंवाद के तहत आज दिनांक 19/7/2022 को थाना अध्यक्ष अग्रेर थाना द्वारा थाना क्षेत्र के पिपरी स्कूल में पहुंचकर शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया। इस दौरान बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि देश के विकास में शिक्षा का महत्व बड़ी कड़ी है तथा शिक्षा समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है। हर माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ संस्कार भी आएगा। विद्या धन है जो खर्च करने पर घटने के बजाय बढ़ता है तथा इसे कोई चुरा नहीं सकता है। बच्चों को प्रतिदिन नियमित रूप से स्कूल आने की भी सलाह दी गई। रोहतास थाना अंतर्गत दिनांक 18/7/2022 की संध्या में सुंदरगंज मोहल्ला से एक नाबालिग बच्चे के गुम हो जाने की सूचना उनके परिजनों द्वारा रोहतास पुलिस को दी गई। पुलिस अधीक्षक रोहतास को यह सूचना प्राप्त होते ही इसे काफी गंभीरता से लिया गया तथा नाबालिग बच्चा का शीघ्र खोजबीन कर सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष रोहतास थाना को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
तदनुसार पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष रोहतास द्वारा उक्त नाबालिग बच्ची के सकुशल बरामदगी हेतु थाना क्षेत्र एवं अन्यत्र थाना क्षेत्रों में भी खोजबीन का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही खोजबीन हेतु सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया। इसी दौरान रोहतास थाना क्षेत्र से गुम हुई नाबालिग बच्चा को सही सलामत एवं सकुशल नौहट्टा थाना क्षेत्र के दाना नगर से बरामद कर लिया गया। तत्पश्चात रोहतास पुलिस द्वारा गुम हुआ नाबालिग बच्चे के परिजनों से संपर्क कर आज दिनांक 19/7/2022 को रोहतास थाना पर बुलाया गया, जहां उक्त बच्चे को उनके परिजनों को सही सलामत सुपुर्द किया गया। बच्चे के सकुशल बरामदगी पर उनके परिजनों द्वारा रोहतास को भूरी भूरी प्रशंसा आभार व्यक्त किया गया है। दिनांक 19/7/2022 को आशीष से भारतीय पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशन में रोहतास पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन, पूर्ण शराबबंदी तथा संदिग्ध व्यक्ति बैंक वाहनों की चेकिंग की गई तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जुर्माना तथा अन्य विधि सम्मत कार्रवाई की गई। रोहतास पुलिस आपकी सेवा में सदैव तैयार है।